मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका लव और सपोर्ट हमें मिल रहा है, इतने सब्सक्राइब हो गए हैं इतने कम समय में, उसका बहुत शुक्रिया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि साइंस में क्या क्या आ सकता है सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है, कम समय में अधिक तैयारी कैसे करें। तो इसमें मैंने लिख दिया है कि क्या क्या आ रहा है क्या क्या नहीं आ रहा है। जैसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, उसमें क्रोजन नहीं आ रहा है, एसिड बेस साल्ट फुल आ रहा है। मेटल एंड नॉन मेटल्स में मेटलर्जी नहीं आ रही है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बॉन्डिंग इन कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, वर्सेटाइल नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये आ रहा है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट फुल आ रहा है। लाइफ प्रोसेस फुल आ रहा है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में खाली ब्रेन आ रहा है, बाकी पूरा चैप्टर कट है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ये भी फुल आ रहा है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में हेरिडिटी आ रहा है, एवोल्यूशन नहीं आ रहा है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन फुल आ रहा है। 11 में ह्यूमन आई नहीं आ रहा है, कलरफुल वर्ल्ड आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी फुल आ रही है। और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक जनरेटर, डीसी, एसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट यहीं आ रहे हैं, ये नहीं आएंगे। और सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं आ रहा है चैप्टर। ओवर एनवायरनमेंट फुल आ रहा है। और 16 चैप्टर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फुल आ रहा है। तो आगे चलते हैं हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। ये पेज दिख रहा है आपको 7, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें टिक मार रखा है जैसे कि जो कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, इसका एग्जांपल है। एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस। और रेस्पिरेशन का ये एग्जांपल है, ये आप कर सकते हैं, अच्छा है पेज, ये याद कर सकते हैं इसको। और नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 आ सकता है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए, ये भी आ सकती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये पेंसिल से टिक लगा रखे हैं, ये कर लीजिएगा। रेंसिडिटी भी अच्छी है। ये क्वेश्चन नंबर 1-2 इंटेक्स क्वेश्चंस में चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है 7 है 10 है, ये भी अच्छे हैं। और यहाँ 13, 15, 16, 17, 19 ये भी अच्छे हैं। एसिड बेस और सॉल्ट में चलते हैं। एक्टिविटी 2.3 कर लीजिएगा, अच्छी है ये। और ये रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, बोर्ड में आ भी चुकी हैं ये, ठीक है, इनको कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस हैं 1 और 3, ओके, पेज नंबर 22 पे। और ये HCl प्लस H2S3O प्लस प्लस Cl नेगेटिव, ये आई भी थी, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। और ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको 2 और 5 इंडेक्स क्वेश्चन है। pH स्केल में आपको लगा रखा है A से लेके pH, और ये फिगर बनेगा इसका। और pH का इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इम्पॉर्टेंट है ये, और टूथ टीके में भी है। और ये जो टेबल दिख रही है आपको, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये भी अच्छे हैं। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इम्पॉर्टेंट है, ब्लीचिंग पाउडर भी इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने लगा रखे हैं, इसको कर लीजिएगा आप। ओके, आप वीडियो को पॉज करके निशान लगा सकते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल्स में आ जाइए, इसमें मेटल एंड नॉन मेटल्स का डिफरेंस या उसकी प्रॉपर्टीज़ भी अच्छी हैं। और ये जो निशान लगाएं ये बहुत ही अच्छे हैं। पहला क्वेश्चंस भी देखिए इसका अच्छा है, और यहाँ पे निशान लगा रखे हैं, इनको आप लर्न कीजिएगा। दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड, ये देखिए इस पर निशान लगाइए, ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चंस आता है इसका, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर MgCl2 का, ये हर साल पूछा जाता है लगभग। आयनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये देखिए, ठीक है, ये कर लीजिएगा। और ये ऑकरेंस ऑफ मेटल से नहीं आ रहा है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आप ये जो दिख रहा है ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर
कर लीजिएगा। और ड्रॉप्स ऑफ कार्बन भी अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 2 लगा रखा है मैंने, वर्सेला एंड नेचर ऑफ कार्बन। और इसके बाद नहीं आ रहा है, जो कंपाउंड आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं आ रही है, उनके बारे में थोड़ा सा लिखना है, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड के बारे में बताना है मगर उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं आ रही है। ठीक है, चैप्टर में बिल्कुल और कुछ नहीं करना है आपको, 30% आपको रिलैक्स दिया गया है। ओके, एथेनॉल में एथेनॉल के बारे में पढ़ना है, प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ना है, मतलब ये रिएक्शन पढ़ लेनी है इनकी, ये कुछ नहीं आ रहा है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आइए, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स सही है ये, ठीक है, अच्छा है, पढ़ लीजिएगा इसके। लिमिटेशन ऑफ मेंडेलीव क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ये ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बैलेंस, एटॉमिक साइज, मेटलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ ये कर लीजिएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, ये थर्ड फोर्थ का बी पार्ट 6 इंपॉर्टेंट है, ये 6, 7, 8, 9, 10 इंपॉर्टेंट है, लाइफ प्रोसेस पे आ जाते हैं, ये निशान लगे हुए हैं, देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में ज़रूर करके जाइए, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में पूछा जाता है, निशान लगा दिया क्या क्या करना है आपको इसमें, कहाँ से कहाँ तक लिखना है। और रेस्पिरेशन में ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम, ये जो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज और वेरियस पाथवेज ये कर लीजिएगा, ये काफ़ी आता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ये भी इम्पॉर्टेंट है, हार्ट और जो हमारा एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, ये इम्पॉर्टेंट है। लिम्फ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, एक्सक्रीशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें निशान लगा रखे हैं, वीडियो को पॉज करके आप निशान लगाते जाएं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में खाली ब्रेन आ रहा है, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे खाली, बाकी पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है आपको। उसके बाद हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में आपको ये वेरिएशन कर लेना है, फिजन कर लेना, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन में। ये प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, रीजनरेशन अच्छा है, बडिंग इन हाइड्रा वेरी इंपॉर्टेंट है। और निशान लगा रखें, ये भी बहुत अच्छा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये फिगर बहुत आता है एग्ज़ाम में, इसका आप रिवाइज मारिए, ठीक है। और ये जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें फीमेल का बहुत पूछा जाता है, इसको आप कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। और ये जो पेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर पढ़ के जाएँ, इससे 3 नंबर का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, ये निशान लगा लीजिए। आगे चलते हैं, हेरिडिटी, हेरिडिटी की डेफिनेशन, इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में पढ़िएगा, ये मेंडेलीव के 3 लॉ हैं, ये पहला लॉ है, सेकंड और थर्ड लॉ आपको कर लेने हैं। इसके सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत आता है, बहुत ही ज़्यादा आता है क्वेश्चन, ये कर लेना वेरी इंपॉर्टेंट है। एवोल्यूशन आपको नहीं करना है, इस चैप्टर से एवोल्यूशन नहीं आ रहा है, कुछ नहीं करना है आपको, ये जो 30% में कट है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ये आपको दिखाई पड़ रही होगी इमेजेस, तो ये टेबल है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लीजिएगा। ये जो फिगर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, निशान लगा रखे हैं, देख लीजिए, ये जो एग्जांपल हैं इसको ज़रूर करके जाइएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा आता है ऊपर, ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ये टेबल अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पावर ऑफ एलियंस भी बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 3 देखिए इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लगा रखे हैं इंपॉर्टेंट, वीडियो को पास करके आप कर सकते हैं। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में ह्यूमन आई नहीं आ रहा है, और ये यहाँ से देखिए प्रिज्म में
ये वाला आ रहा है और निशान लगा दिया है मैंने, दोनों फिगर इंपॉर्टेंट हैं, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। रेनबो, पिंक रंग ऑफ स्टार्स, सनराइज एंड डिलेट सनसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते जरूर हैं एग्जाम में। कलर ऑफ स्काई ब्लू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सनराइज सनसेट वाला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें के बाद हम इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं। ये देखिए निशान लगाते जाइए, ये ओम्स लॉ है, देखिए पीछे बहुत आता है एग्ज़ाम में, आप लोग ज़रूर पढ़ के जाएं इसे, बिल्कुल मिस ना करें। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ये याद कर लीजिएगा, ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम्पल नोट करिए। ये सीरीज़ में पैरेलल में बहुत आता है क्वेश्चन। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऊपर देख लीजिए, 3, 4, 5 इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम ये जो ये न्यूमेरिकल हैं ये सब करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, सब करके जाइएगा, अच्छे हैं ये न्यूमेरिकल, बिल्कुल छोड़ के मत जाइए। और ये इसके रीजंस हैं, ये पूरी एक्सरसाइज करके जाइए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। आगे मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, ये देखिए ये सब पढ़ के जाइएगा, निशान लगा लीजिए। फ्लेमिंग, ये राइट हैंड थंब रूल पढ़ लेना है आप लोगों को, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, ये सेंटर में सीधा जाता है और ऊपर नीचे कर्व टाइप का मुड़ जाता है। सॉलेनॉइड वाला भी देख लीजिएगा, अच्छा है। इलेक्ट्रिक मोटर वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार बोर्ड में ज़रूर आना है इसे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी आएगा, तो ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, इसलिए आप नहीं पढ़िएगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर वनरेटर डोमेस्टिक ये भी नहीं आएगी, इसकी एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा जो जो रिलेटेड है मोटर से, सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं आ रहा है, आवर इन्वायरमेंट आ रहा है, इसमें आपको ये कर लेना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, निशान लगा लीजिए। ये ओजोन लेयर ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए क्वेश्चन लगा लीजिए निशान। और उसके बाद 16 आता है लास्ट चैप्टर, इसमें आपको ये कर लेना है, ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पर्पज से, ये पूरी एनसीईआरटी मैं कवर कर रहा हूँ, ये जरूर पढ़ के जाएँ, ये वाला पेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पेज को अच्छी तरीके से पढ़ के जाएँ, समझ के जाएँ। डैम्स के बारे में पढ़ें, वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ें, बहुत कुछ आता है इनसे, कोल एंड पेट्रोलियम, ओके, और चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ओके, थैंक यू।